दुनिया के अलग अलग देशों से आए श्रद्धालुओं की शोभा यात्रा देखते ही बन रही थी। इस यात्रा में भारत, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया जैसे देशों से भिक्षुओं और भिक्षुणियों द्वारा अद्भुत शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जिस रास्ते से गुजरी, लोग देखते ही रह गए। बहुत ही अनोखे इस यात्रा में संगीत की मधुर ध्वनि से मानो चारों दिशा ही संगीतमय हो गया हो। शोभा यात्रा में शामिल भिक्षु और भिक्षुणियों विशेष परिधान से सुसज्जित थे। ये सुंदर नजारा बोध गया का था, जहां बोध भिक्षुकों ने विश्व को शांति का संदेश दिया। आपको बता दें कि महाबोधि मंदिर में 1 दिसंबर से 14वीं त्रिपिटक पूजा शुरू हो चुकी है। पूजा की शुरुआत सुबह 8 बजे विश्व शांति यात्रा के साथ हुई। कमिश्नर और बौद्ध गुरुओं ने एक साथ दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। 12 दिसंबर को विशेष अनुष्ठान के साथ पूजा समाप्त होगी। पूजा के समापन के बाद 13 दिसंबर को सभी बौद्ध भिक्षु जेठियन से पदयात्रा करते हुए वेणुवन राजगीर जाएंगे। धर्मगुरुओं के साथ बड़ी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु भी त्रिपिटक पूजा में भाग लेने पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध का जो ग्रंथ है, ग्रंथ को त्रिपिटक बोला जाता है। तीन पिटक मतलब तीन भाग भगवान बुद्ध ने सूत्र के रूप में दिया है, जो उपदेश है भगवान बुद्ध का। और दूसरा है विनय, जिसमें एक रूल रेगुलेशन है कैसे भिक्षु को रहना चाहिए। और तीसरा अभिधम है संसार की रचना कैसे हो, तो इसको त्रिपिटक बोला जाता है। ये जो परंपरा है वो आज से 14 साल पहले जो शुरू हुआ और अभी तक वो चला रहा है। हर साल ये 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक भगवान बुद्ध की जो वाणी है, जो कि त्रिपिटक में लिखा हुआ है, उसका हर देश के लोग पाठ करते हैं पाली भाषा। पूजा को लेकर बोधगया में चहल पहल बढ़ी हुई है। कई देशों के बौद्ध श्रद्धालु पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ अपने धर्म गुरुओं की अगुवाई करते नजर आए। महाबोधि मंदिर में पूजा शुरू होने के पहले बौद्ध धर्म गुरु ने त्रिपिटक के माध्यम से दुनिया को विश्व शांति का संदेश दिया। बौद्ध वृक्ष के शीतल छांव में 10 दिनों तक त्रिपिटक सुत्त पाठ चलेगा। 12 दिसंबर को सुत्त पाठ का समापन समारोह होगा। थेरवादी देशों के 4000 बौद्ध धर्म गुरु पूजा में शामिल हैं। बौद्ध भिक्षुकों को एक सूत्र में बांधने के लिए त्रिपिटक सुत्त पाठ का आयोजन एक बड़ी कोशिश है। बोधगया में आयोजित इंटरनेशनल त्रिपिटक पूजा में इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे मुस्लिम देशों के लोग भी शामिल होते आ रहे हैं। इस आयोजन में शामिल बौद्ध देशों के भिक्षुकों के बीच उनके स्थानीय भाषा में त्रिपिटक का अनुवाद किया गया है। इस पूजा में भगवान बुद्ध के उपदेशों की बात होती है। बोधगया में त्रिपिटक को संरक्षित करने के लिए पिछले 14 वर्षों से पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पूजा का आयोजन लाइट ऑफ बुद्धा धम्मा फाउंडेशन कर रहा है। इस साल पूजा का स्पॉन्सर थाईलैंड के बौद्ध श्रद्धालु हैं। वहीं दूसरी ओर चीनी यात्रियों के 170 सदस्य नेपाल से पैदल यात्रा कर बोधगया चाइना मंदिर पहुंचे। ऑल इंडिया भिक्षु संघ के मुख्य भिक्षु भदंत प्रज्ञादीप ने कहा कि इस ग्रंथ में चाइनीज लोगों का कल्चर बसा हुआ है। उन्होंने कहा कि चाइना में फिर से बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ती जा रही है, साथ ही चीन के लोगों के मन में बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा भाव है। उसी भाव को दोहराने के लिए ग्रंथ चाइना से ले जाया गया था। आज इसी ग्रंथ को वापस लौटाने के लिए चीनी सदस्य यहां आए हैं। ये ग्रंथ जिसमें पूर्ण रूप से चीनी भाषा का अभिलेखन किया गया है, उसी ग्रंथ को लौटाने को लेकर समारोह का आयोजन किया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।